हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है साहिल और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे तीन ब्रीड्स को, जो कि है अमेरिकन बुली, रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड को। और आज इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि इन तीनों में से कौन सा गार्ड डॉग आपके लिए सूटेबल है, कौन सा इन तीनों में से बेस्ट गार्ड डॉग है फैमिली के लिए और घर के लिए, जो कि हमें स्ट्रेंजर से प्रोटेक्ट करे, हमारी फैमिली को स्ट्रेंजर से प्रोटेक्ट करे रात के टाइम में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमने इन तीनों ब्रीड्स के अलग अलग कोट साइज, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, एडेप्टेबिलिटी, फर्स्ट टाइम ओनर और किड्स के साथ और फैमिली के साथ, इन पॉइंट्स के ऊपर इन डॉग को डिफरेंशिएट किया है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा डॉग अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोट की। अगर हम बात करें अमेरिकन बुली की, तो अमेरिकन बुली का शॉर्ट कोट होता है। शॉर्ट कोट का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसके बाल बहुत ही छोटे होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड में अलग अलग कोट आते हैं, जैसे कि डबल कोट, सिंगल कोट, मीडियम कोट और लॉन्ग कोट। इसमें अलग अलग साइज़ के बाल होते हैं, जैसे लॉन्ग कोट में बड़े बाल होते हैं, सिंगल कोट में छोटे बाल होते हैं। वैसे ही एक अगर हम बात करें रॉटवाइलर की, तो रॉटवाइलर के बाल ना अमेरिकन बुली से बड़े और जर्मन शेफर्ड से के लॉन्ग कोट से छोटे, मतलब आप इसे एक मीडियम कोट का डॉग बोल सकते हैं फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट है हमारा साइज। अमेरिकन बुली डिफरेंट साइजेस में आता है, जैसे पॉकेट बुली, क्लासिक बुली, एक्सट्रीम बुली, माइक्रो बुली और भी कई सारे टाइप होते हैं इनके। वहीं अगर हम बात करें रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड की, तो ये दोनों ही ब्रीड मीडियम टू लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है फ्रेंड्स। हमारा थर्ड पॉइंट है हेयर फॉल के बारे में, क्योंकि एक साल में दो बार डॉग्स के बाल झड़ते ही हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तो इसमें हमें शेडिंग सीजन के दौरान भी कई दिक्कत आती है जर्मन शेफर्ड में, क्योंकि उसके बाल बड़े होते हैं तो वो थोड़ा अनहाइजीनिक लगने लगता है और उसमें हमें ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। उसे हमें ओमेगा 3 जैसे कैल्शियम वगैरह की भी जो मेडिसिन होती है वो देनी पड़ती हैं, ताकि इसकी जो बालों की शाइन है वो मेंटेन कर सके। वहीं हमें अमेरिकन बुली और रॉटवाइलर में हेयर फॉल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, इनका काम एक दिन में दो बार कंघी से भी चल जाता है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें, तो फोर्थ नंबर पर है हमारे पास अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में अमेरिकन बुली के डिफरेंट साइजेज आते हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने घर मकान के अकॉर्डिंग अमेरिकन बुली को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका छोटा घर है तो आप छोटे साइज़ का अमेरिकन बुली ले सकते हैं, जैसे कि माइक्रो और पॉकेट, और अगर आपका बड़ा घर है तो आपके लिए रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड अच्छा रहेगा। ये जो बड़े घर होते हैं उसमें अच्छे से मतलब रहते हैं फ्रेंड्स ये दोनों ब्रीड। वैसे आप जर्मन शेफर्ड को एक मीडियम साइज़ के घर में भी रख सकते हैं, लेकिन रॉटवाइलर थोड़ा मीडियम साइज़ के घर में थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा। आप इन तीनों में से फ्रेंड्स कोई भी ब्रीड ले लीजिए, आपको एक दिन में दो बार वॉक हर ब्रीड को देनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम ओनर और किड्स के साथ ये ब्रीड कैसी है, तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट टाइम ओनर है उनके लिए अमेरिकन बुली बहुत अच्छी ब्रीड है और जर्मन शेफर्ड भी एक अच्छी ब्रीड है, क्योंकि जो इनका जो टेम्परामेंट है वो कूल है, ये बच्चों के साथ भी अच्छे से रह सकती है और अगर आप घर पे नहीं है तो लेडीज़ भी इन्हें आसानी से संभाल सकती हैं। वहीं रॉटवाइलर में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो रॉटवाइलर का ओनर है उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग ओनर चाहिए, वरना ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा किड्स के साथ छोड़ने में भी खतरा है, क्योंकि अगर बच्चे इसके आँख या नाक में कहीं गलती से उंगली मार दे तो ये अग्रेसिव भी हो सकता है। तो आज की ये थी हमारी वीडियो इन तीनों ब्रीड्स के बारे में, अमेरिकन बुली, रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।